7.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। 7.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि डिजिट से रिलेटेड है, तो उन्हीं को भी हम साफ करते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे जहन में ही है अभी, ताकि ये सब कंप्लीट हो जाए। तो 7.2 में सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है जो मैंने बताया था, इसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। सेम वर्डिंग के साथ बुक में आंसर विदाउट रिपीटेशन लिखा हुआ है, लेकिन मैं विद रिपीटेशन के लिखवाऊंगा। सिंपल सी बात है, आंसर को मैंने फॉलो नहीं करना, मैंने सवाल को देखना है। तो पेपर में आएगा मैं बताऊंगा, पेपर में रिपीटेशन वो बता देते हैं आपको, अगर नहीं बताएंगे तो बेस्ट सॉल्यूशन ये है, इस चीज को फॉलो करना है आपने। क्योंकि पेपर में क्या बुक कौन सी है, पेपर में बुक शुक कुछ नहीं होती भाई, आंसर कोई नहीं होते, बस जो मेथड है बुक में जो मेथड डिस्कस हुआ है वो उसके मुताबिक आपने चलना है, आंसर को फॉलो नहीं करना होगा आपने, ठीक है। आंसर आपको पता क्या होगा पेपर में, अगर सवाल भूल गया आपको नहीं पता विद रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन कैसे पता चलेगा, तो जो मेन कॉन्सेप्ट है उससे आइडिया लगाओगे, कॉन्सेप्ट ये कि रिपीटेशन हो सकती है या फिर अच्छा सॉल्यूशन मैंने गाइड्स में देखा था उन्होंने दोनों करवाए हुए थे, विद रिपीटेशन भी विदाउट रिपीटेशन भी। तो अगर अलाव ना हो पेपर में उन्होंने कुछ बताया ना हो इसके बारे में तो दोनों कर देना, कौन सा टाइम चला जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन क्या है आपको, सेम यही कॉन्सेप्ट है, यहां पे जो गिवन डिजिट है वो है 0, 1, 2, 5, 7, 9 और लिखा हुआ है 1000 और 10000। देखो 1000 और 10000 के दरमियान जो नंबर होंगे वो 4 डिजिट होंगे, 10000 को कंसीडर ना करो, उसको तो 5 हो जाएंगे ना, हम कंसीडर कर रहे हैं 1000 और 10000 के दरमियान जो नंबर है विदाउट इंक्लूडिंग 10000, कितने नंबर हैं जो इन डिजिट से बने हैं, तो ये तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, इसके लिए आपको 2 स्टेप करने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1000 एंड 10000 क्या होंगे भाई, 4 डिजिट के नंबर होंगे, 4 प्लेसेस आपको चाहिए, 1, 2, 3, 4 4 प्लेसेस। अगेन भाई कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट वही है, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर अभी तक, नेक्स्ट स्टेप में नई बात है कि पहली प्लेस के लिए आपके पास 0 हटा दो, 1, 2, 5, 7, 9 कोई भी 5 ऑप्शन है। सेकंड प्लेस फॉर एग्जांपल आपने 1 पुट कर दिया, सेकंड प्लेस के लिए अब आपको पता है रिपीटेशन यहां पे अलाउड है, रिपीटेशन यहां पे अलाउड है, तो आपने क्या करना है दोबारा 1, 2, 5, 7, 9 और अब 0 भी आ जाएगा, तो 6 ऑप्शन है, अगेन 6 ऑप्शन है, अगेन 6 ऑप्शन है, दोबारा आप इन्हीं को कॉपी करोगे, दोबारा आप इन्हीं को कॉपी करोगे, इन सबको मल्टीप्लाई करो आपस में, क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 6 30 30 मल्टीप्लाई 6 180 और 180 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 360 720 10080। तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे 10080। देख लेना है कभी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, गलत होगी तो मुझे बता देना, जो ऑनलाइन मेरे बच्चे वो मुझे कैलकुलेट कर लिया करना, टाइम में जाया करना नहीं चाहता, तो आप लोग अपनी तरफ से कैलकुलेट करके बता दिया करो, अगर गलत है तो बता दिया करो। तो ये जो पहली चीज जो है ना वो हमने कंप्लीट कर ली है, अब सवाल क्वेश्चन नंबर 7 की दूसरी चीज क्या लिखी हुई थी, हाउ मेनी ऑफ देम विल नाइदर बी डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2। कह ही रहे कि भाई 1000 और 10000 के दरमियान ऐसे नंबर्स जो ना 5 से डिवाइड होते हैं जो ना 2 से डिवाइड होते हैं वो हमें बताओ, ऐसे कितने नंबर्स हैं 1000 और 10000 के दरमियान जो ना 2 से डिवाइड होते हैं जो ना 5 से डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नंबर आपको बताता हूं इन डिजिट से 2579, ये ऐसा नंबर है जो ना 5 से डिवाइड होगा ना 2 से डिवाइड होगा। किसी भी नंबर से डिवाइड होने का मतलब कि जब आप डिवाइड करो तो होल नंबर आए, पॉइंट में आंसर ना आए, इन अदर वर्ड्स रिमाइंडर 0 हो, ठीक है। इसी तरह 2597, इसी तरह 1207 1209 1205, बहुत लिस्ट नंबर लिखिए 1000 और 10000 के दरमियान सारे नंबर्स हैं जो कि ना 5 से डिवाइड होंगे जो ना 2 से डिवाइड होंगे, ठीक है। अब इनको हम कैसे निकालेंगे, इसके डिफरेंट तरीके होते हैं, मैं सबसे छोटा वाला तरीका करवाता हूं आपको। तो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1000 एंड 10000 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 2, जो 5 या 2 लिख देते हैं, मतलब ऐसे नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड नहीं होते होंगे, ऐसे नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होते होंगे, और कुछ कॉमन नंबर भी होंगे जो 5 और 2 लाइक
थाउजेंड और टेन थाउजेंड के दरमियान तीन कैटेगरी होगी ना, जो नंबर टू से डिवाइड होते होंगे, कुछ नंबर फाइव से डिवाइड होते होंगे और कुछ ऐसे नंबर होंगे जो टू और फाइव दोनों से डिवाइड होते होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 5, 0, ये फाइव से भी डिवाइड होगा, टू से भी डिवाइड होगा। तो ये तीन कैटेगरी के नंबर हमें नहीं इंक्लूड करने हैं कि जो टू से डिवाइड हो या वो फाइव से डिवाइड हो या दोनों से डिवाइड हो, ये नहीं हमें चाहिए। इसके अलावा जो नंबर है ना वो हमें चाहिए, ठीक है। अब कैसे निकालोगे? सबसे पहली बात भाई, डिजिट फोर ही होंगे, फोर डिजिट का नेचुरल नंबर है। मैंने बोला था जो रिस्ट्रिक्शन होती है सबसे पहले उसको फिल करते हो। अब फोर डिजिट के अंदर रिस्ट्रिक्शन क्या है इसको जरा और समझो। आप लोगों ने बचपन में बात पढ़ी होगी डिविजिबिलिटी रूल के अंदर कि जिस नंबर के एंड पे या जीरो आए या टू आए या फोर आए या सिक्स आए या एट आए, ये पांच डिजिट में से कोई भी आ जाए तो वो नंबर टू से डिवाइड होता है। और जिन नंबर्स के एंड पे कोई इवन नंबर ना हो, मतलब 0, 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8 ये ना हो, तो वो नंबर टू से डिवाइड नहीं होते। ये टू की बात बता रहा हूं मैं। तो अगर गिवन डिजिट्स की बात करो, इसमें कौन कौन से नेचुरल नंबर गिवन है? इवन नंबर 0 और 2, ये दो नेचुरल नंबर गिवन है आपको। तो अगर ये एंड पे आएंगे तो वो नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एंड पे नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमें वो नंबर चाहिए जो डिवाइड ना होते हो, नाइदर की बात करनी है हमें। तो जिन नंबर्स के एंड पे ये नहीं आता होगा वो हमारे काम के नंबर है। सबसे पहली बात, अब बात करते हैं फाइव की। आपने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा होगा जो नंबर फाइव से डिवाइड होता है उसके एंड पे या तो जीरो होता है या फाइव होता है। ऐसा नहीं आपने देखा होगा किसी के एंड पे सेवन आ रहा है वो फाइव से डिवाइड हो रहा होगा, नहीं, या जीरो आएगा या फाइव होगा तब वो फाइव से डिवाइड होगा। अब जीरो फाइव गिवन है यहां पे? हाँ, दोनों गिवन है, जीरो और फाइव। तो अगर आप कंबाइन बात करो, 0, 2, 5, ये तीन ऐसे डिजिट है जो हमें नहीं चाहिए आखिरी प्लेस के ऊपर। इस सवाल के अंदर की बात करो, इस सवाल में रिस्ट्रिक्शन क्या थी? 5 और 2 दोनों से डिवाइड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आखिरी वाली प्लेस पे ना 0 आ सकता है, ना 2 आ सकता है, ना 5 आ सकता है, तीनों हमें पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेपर में आ जाए कि विच आर नॉट डिविजिबल बाई 5, अब दो रिस्ट्रिक्शन है, 0 और 5, 2 एंड पे आ सकता है क्योंकि जिस नंबर के एंड पे 2 है वो 5 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेपर में आ जाए विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनके एंड पे 5 आ सकता है, तो फिर रिस्ट्रिक्शन क्या होगी? 0 और 2 की, बस दो ही नंबर मसला करेंगे, बाकी सब अलाउड है, ठीक है। ये मैं सब बातें बता रहा हूं आखिरी प्लेस की रिस्ट्रिक्शन, ये आखिरी प्लेस है, पहली प्लेस में तो कोई मसला नहीं, आखिरी प्लेस की बात की जा रही है। तो जो रिस्ट्रिक्शन होती है सबसे पहले आप उसको फिल करते हो, इस असूल को याद रखो। तो सवाल ये कि आखिरी प्लेस पे आप कौन कौन से डिजिट पुट कर सकते हो? यहां पे 1 पुट कर सकते हो, 7 पुट कर सकते हो, 9 पुट कर सकते हो। ये सब वो नंबर्स होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे नहीं, ना वो 2 से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो आखिरी प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? 1, 7, 9। इन्हीं में से आपने कुछ पुट करना है तब आपके नंबर ना 5 से डिवाइड होंगे ना 2 से डिवाइड होंगे, ठीक है। गिवन ऑप्शन ये है, मतलब 3 भी आ सकता था लेकिन 3 यहां पे गिवन नहीं है ना, तो गिवन ऑप्शन में ये वो नंबर्स हैं जो आप पुट कर सकते हो तो आपके नंबर 5 या 2 से डिवाइड नहीं होंगे, सही। तो फॉर एग्जांपल आपने 1 पुट कर लिया, मतलब 3 ऑप्शन है यहां पे, मतलब मैंने आप लोगों को बताया ना कि पहली प्लेस के लिए आप कितने पुट कर सकते हो? 1 पुट कर सकते हो, 7 पुट कर सकते हो और 9 पुट कर सकते हो, तो 3 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। फिर आपने रिस्ट्रिक्शंस को, मैंने बताया रिस्ट्रिक्शन को आप पहले फिल करते हो, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन को पहले जब आप फिल करोगे तो दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये है, क्यों? क्योंकि 0 नहीं आ सकता इसके अंदर, सही है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने यहां पे 1 पुट कर लिया तो 1 तो दोबारा पुट कर सकते हो क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है इसके अंदर, 1, 7, 9 आप दोबारा पुट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप बाकी नंबर जो वही पुट कर सकते हो, मतलब 0, 2, 5, 0 नहीं बस पुट कर सकते, क्यों? क्योंकि पहली प्लेस पे 0 नहीं आता, बस इस चीज का आपका ख्याल रखना है। तो पहले आपने इस रिस्ट्रिक्शन को फिल किया, फिर आपने इस रिस्ट्रिक्शन को फिल किया, आपके पास कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। अब अगर आप नेक्स्ट की बात करो, फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पे 1 पुट कर लिया, अब रिपीटेशन अलाउ है, आप कोई भी 4 इस पर पुट कर सकते हो और साथ साथ 0 भी पुट कर सकते हो और साथ साथ दोबारा 1 को भी पुट कर सकते हो, रिपीटेशन अलाउ है, तो कोई भी 6 ऑप्शन आपके पास, फिर कोई भी 6 ऑप्शन। तो 5, 6, 30, 36, 180, 183, 540, तो 540 राइट आंसर होगा इस सवाल का। आंसर जो है वो बुक से मैच नहीं करेंगे, क्यों? बुक ने रिपीटेशन कंसीडर नहीं की। अगर आप रिपीटेशन कंसीडर नहीं करोगे तो फिर सवाल को कैसे करोगे? कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 3 फिल किया, 3 ऑप्शन थे, आपने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, अब 1 दोबारा पुट नहीं कर सकते, तो पीछे क्या बचेंगे? या तो 7 बचेगा या 9 बचेगा या 2 या 5,
क्योंकि जीरो भी पुट नहीं कर सकते ना यहाँ पे, तो इसका मतलब आपके पास कोई भी चार ऑप्शन है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपने सेवन पुट कर दिया, अब इस प्लेस के लिए नाइन पुट कर सकते हो, टू पुट कर सकते हो, फाइव और जीरो पुट कर सकते हो, क्योंकि जीरो हमने पहली प्लेस की वजह से पुट नहीं किया था, ये वजह थी। तो चार ऑप्शन है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल नाइन पुट कर लिया, अभी कोई भी तीन आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट, फोर्टी एट थ्री जा ये हो जाएगा आई गेस 144। 48 को जब आप 3 से करोगे तो 144 ही होगा। 144 ऐसे नंबर होंगे जो ना 5 से डिवाइड होते होंगे ना 2 से डिवाइड होते होंगे। इवन शायद ये भी आंसर ठीक नहीं, क्योंकि मेरी बुक में लिखा हुआ है 300 और 144, इसका मतलब बुक में शायद मिस्टेक हुई थी हो, और ये बहुत ही मशहूर जमाना क्वेश्चन है जिसमें आंसर में मिस्टेक है। मैंने बहुत टाइम जाया किया था इसके ऊपर पता करने के लिए। हाँ, बुक में 300 और 120 लिखा हुआ है, 120 गलत है, 144 करो अगर रिपीटेशन कंसीडर नहीं कर रहे। रिपीटेशन कंसीडर करोगे तो एक आंसर आएगा 1080 और दूसरा आंसर आएगा 540, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास तीन पार्ट दिए मैंने, लेकिन सब छोटे छोटे पार्ट है। लिखा हुआ है हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर नेचुरल नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट, गिवन डिजिट है, ईच डिजिट कैन बी यूज ओनली वंस, मतलब पार्ट वन में रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले गिवन डिजिट क्या है, गिवन डिजिट्स हैं जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। सबसे पहले पार्ट में रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है सबसे पहले प्लेस पे, ठीक है। अब क्या करोगे, आपको बनाने हैं कितने नंबर ऑफ थ्री डिजिट नेचुरल नंबर, तो नंबर ऑफ थ्री डिजिट नेचुरल नंबर तीन प्लेसेस चाहिए, ठीक है। अगेन कॉन्सेप्ट बच्चों वही है, मैंने असल में करवाने सब क्वेश्चन है इसलिए मजबूरी में करवाने पड़ रहे हैं सारे के सारे, वरना सेम कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। कोई एंड पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहली रिस्ट्रिक्शन है कि जीरो पुट नहीं कर सकते। आपके पास कितने ऑप्शन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कोई भी छह ऑप्शन है यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वन पुट कर लिया, अब दूसरी जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और अब जीरो भी पुट कर सकते हो, अगेन छह ऑप्शन है। फिर फॉर एग्जाम्पल टू पुट कर लिया, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, टू दोबारा नहीं पुट कर सकते, थ्री फोर फाइव सिक्स जीरो इसमें से कुछ भी पुट कर सकते हो, पांच ऑप्शन है। तो सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स को अगर आप फाइव से करोगे तो 180 आएगा, तो 6 मल्टीप्लाई 5 180 इज द राइट ऑप्शन, पार्ट वन का आंसर 180 हो गया। अब पार्ट टू पे आ जाओ, पार्ट टू में लिखा हुआ है हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑड नंबर्स, अब ये नई बात है कि बताओ इनमें से ऑड नंबर कौन से हैं, और अगेन रिपीटेशन उन्होंने अलाउ नहीं की भी। सवाल जो पार्ट वन है ना उसी में उन्होंने क्लियर कर दिया था कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, उसका मतलब हाउ मेनी ऑफ दीज लिखा हुआ है ना कि ऑड नंबर बताओ हमें, ये तो थ्री डिजिट के नेचुरल नंबर है सारे के सारे, ये टोटल थ्री डिजिट के नेचुरल नंबर है। अब उन्हीं में से थ्री डिजिट के कुछ ऐसे नेचुरल नंबर होंगे जो ऑड होंगे, तो दैट्स व्हाई रिपीटेशन पार्ट टू में भी अलाउ नहीं है, थ्री में भी अलाउ नहीं है। इसी तरह ये वर्डिंग अगर आप जनरलाइज ना लिखो, ये वर्डिंग हटा दो, क्योंकि ये वर्डिंग ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पार्ट वन के लिए, आप इसको पार्ट वन कह दो और सवाल में लिख दो कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो जनरलाइज बात हो जाएगी, कोई कंफ्यूजन से बच जाओगे। पार्ट टू में क्या बोला हुआ है, ऑड नंबर्स, तो नंबर ऑफ थ्री डिजिट ऑड नेचुरल नंबर, अगेन तीन प्लेसेस हैं। अब रिस्ट्रिक्शन जरा देखो, रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है यहां पर। सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन ऑड की है, ऑड का मतलब क्या होता है, देखो ऑड यहां पे कितने डिजिट है, जो भी ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके एंड पे वन आएगा, थ्री आएगा, फाइव आएगा, सेवन आएगा, नाइन आएगा, ये पांच डिजिट अगर किसी भी नंबर के एंड पे आ रहे हैं तो वो नंबर ऑड होता है, और अगर जीरो टू फोर सिक्स एट ये पांच डिजिट किसी भी नंबर के एंड पे होंगे तो वो इवन होगा। तो अगर आपने ऑड नंबर मालूम करने तो आखिरी प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, आप वन पुट कर सकते हो, आप थ्री पुट कर सकते हो, आप फाइव पुट कर सकते हो, दैट्स इट, ये तीन ऑप्शन है, इनमें से कुछ पुट कर सकते हो तभी वो नंबर ऑड नंबर होगा, तो आपके पास तीन ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल आपने वन पुट कर लिया, अब सेकेंड रिस्ट्रिक्शन कौन सी है यहां पे, जीरो वाली, तो पहली प्लेस को फिल करो,
आप वन पुट कर लिए फॉर्म दोबारा पुट नहीं कर सकते, आप थ्री पुट कर सकते हो, फाइव पुट कर सकते हो, इसी तरह जीरो भी पुट नहीं कर सकते, आप टू पुट कर सकते हो, आप फोर पुट कर सकते हो, आप सिक्स पुट कर सकते हो। जो ऑड नंबर्स होते हैं ना उनके स्टार्ट में इवन नंबर आ सकता है, एंड पे इवन नंबर नहीं आना चाहिए। एंड पे अगर कोई इवन नंबर आएगा तो फिर वो उसको इवन कर देगा। तो कोई भी पांच ऑप्शन आप कुछ भी यहां पे पुट कर लो। फॉर एग्जांपल आपने थ्री पुट कर दिया, यहां पे आप सेकंड प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है, आप फाइव पुट कर सकते हो, टू पुट कर सकते हो, फोर पुट कर सकते हो, सिक्स और जीरो भी पुट कर सकते हो। जीरो आपने शामिल नहीं किया था इधर, इसलिए नहीं किया था क्योंकि जीरो इवन बना रहा था, इधर इसलिए नहीं किया था क्योंकि जीरो टू डिजिट कर देगा। यहां पे आप पुट कर सकते हो, आपके पास कोई भी पांच ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 3 ये हो जाएगा 75। तो 75 ऐसे थ्री डिजिट नेचुरल नंबर हैं जो इन डिजिट से बन रहे होंगे और ऑड होंगे वो, सही है। उसके बाद पार्ट थ्री है, पार्ट थ्री में कंडीशन क्या लिखी हुई है, ग्रेटर देन 330, ग्रेटर देन 330, ऐसे नंबर जो 330 से ग्रेटर हो। भाई इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप अलग करना पड़ेगा आपको। क्यों अलग करना पड़ेगा और किसमें अलग करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दो हिस्सों में कंप्लीट करेंगे, नंबर ऑफ थ्री डिजिट नेचुरल नंबर बिटवीन 330 एंड 399। आप कहोगे सर हमने इस तरह क्यों ब्रेक किया, थोड़ी देर बाद आपको बात समझ आ जाएगी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल थ्री डिजिट है तो तीन प्लेसेस आपने बना ली, ठीक है। सवाल ये कि 330, अच्छा अभी उन्होंने बोला है कि 330 से ग्रेटर, ठीक है, और इसमें ये बात कंफर्म है जो सवाल में जो डिजिट गिवन थे आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन्हीं डिजिट से आपने बनाना है और वो थ्री डिजिट का होना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर पहला सवाल लिखा हुआ है उसमें असल जो चीज है वो बताई गई कि हाउ मैनी थ्री डिजिट नेचुरल नंबर, और एक और चीज बता दी कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, वो पार्ट टू के अंदर भी वैलिड है, पार्ट थ्री के अंदर भी वैलिड है। तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है और थ्री डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो दो पॉसिबिलिटी है, 330 से और 399 के दरमियान या 400 से ग्रेटर, कोई भी थ्री डिजिट का नंबर जो कि बनेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से। मैंने अलग क्यों किया है ये थोड़ी देर बाद आपको बात समझ आएगी। तो फॉर एग्जांपल अभी इसी पे मान ले आओ, आप इसी को सॉल्व करो, 330 और 399 के दरमियान नंबर्स को, क्या पॉसिबिलिटी है भाई इनके दरमियान जो भी नंबर्स हैं वो स्टार्ट 3 से हो रहे हैं। सबसे पहली बात, इन नंबर्स के दरमियान जो भी नंबर्स हैं वो 3 से ही स्टार्ट होंगे ना, पहला नंबर 3 होगा उनका, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, वो एक ही ऑप्शन है 3, इसके अलावा कुछ पुट नहीं कर सकते, वरना वो फिर 3 के अंदर नहीं होंगे ना, 300 के अंदर नहीं होंगे, वो कुछ और ही हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन 3 है और आप 3 पुट कर दोगे, मतलब पहली प्लेस के लिए आपके पास एक ऑप्शन है। अच्छा रिमेनिंग डिजिट आपके पास क्या आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फॉर एग्जाम्पल 3 आपने पुट कर लिया, अब दूसरी प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, इसको भी जरा ध्यान से फिल करना है। क्यों, अगर आप ऑब्जर्व करो इन सब नंबर्स में दूसरी प्लेस पे या तो 3 होगा लेकिन 3 दोबारा नहीं आ सकता, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मतलब ये वाला नंबर इनमें इंक्लूड नहीं होगा, रिपीटेशन है ना इसके अंदर, ये इंक्लूड नहीं है, इससे ग्रेटर कोई नंबर है, इसी तरह इससे लेस कोई नंबर होगा, ये भी अलाउ नहीं है। तो जो भी नंबर होगा इनके दरमियान जिसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसका मतलब सेकंड प्लेस पे आप ना 0 पुट कर सकते हो, क्यों 0 ही पुट कर सकते हैं सर, ये वजह, सेकंड प्लेस पे अगर 0 आ जाएगा तो वो नंबर 330 से ग्रेटर नहीं होगा ना, 330 से कम हो जाएगा। इसी तरह सेकंड प्लेस पे अगर 1 आ जाएगा फॉर एग्जांपल, तो वो नंबर 330 से ग्रेटर नहीं हो सकता, 2 आ जाएगा अभी भी 330 से ग्रेटर नहीं हो सकता, लाजमी है यहां पे 3 होना चाहिए, लेकिन 3 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, आपने 3 पहले पुट कर लिया, 3 दोबारा पुट नहीं कर सकते। तो अब पीछे क्या बचा आपके पास, ये बचे हैं, कोई भी 3 पुट कर सकते हो आप, ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं हमने 4, 5, 6, ये 3 ऑप्शन है, 3 में से कुछ भी पुट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 पुट कर लिया, यहां पे 3 और 4 आपने पुट कर लिए, रिमेनिंग जितने नंबर्स हैं वो आप आखिरी प्लेस पे फिल कर सकते हो, आखिरी प्लेस पे कोई आपको शर्त नहीं है क्योंकि आखिरी प्लेस पे 0 भी आ सकता है, 1, 2, 3 जितने भी नंबर है सब आ सकते हैं। तो कौन कौन से नंबर बच गए भाई, 3, 4 आपने पुट कर लिए, तो पीछे 0, 1, 2, 5, 6 ये नंबर बच गए। कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। प्रोडक्ट प्रिंसिपल के तहत मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 15। तो 15 ऐसे नंबर हैं जो 330 और 399 के दरमियान है। अब कोई स्टूडेंट का सवाल हो सकता है कि सर नहीं मैं बात बताता हूं, अब आप क्या करो, 400 से ग्रेटर नंबर ऑफ थ्री डिजिट नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 400, पहले इसको समझ लो फिर मैं बताता हूं मैंने अलग क्यों किया था। 400 से ग्रेटर जो नंबर है उनको बनाना है आपने,
अब कोई भी नंबर अगर 400 से ग्रेटर, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसको ध्यान में रखना, कोई भी नंबर 400 से ग्रेटर होगा तो पहली प्लेस पे कम से कम 4 आएगा उसके। फॉर एग्जांपल 441 ये अलाउ नहीं है, रिपीटेशन है। 421 पहली प्लेस पे 4 आ रहा है, या पहली प्लेस पे 5 आ सकता है तब भी वो नंबर ग्रेटर देन 400 होगा, या पहली प्लेस पे 6 आ सकता है। ठीक है, तो मतलब पहली प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, 4, 5, 6, ये तीन ही नंबर आप पुट कर सकते हो, उसके अलावा को पुट नहीं कर सकते। तो उसका मतलब पहली प्लेस के लिए तीन ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल 4 पुट कर लिया, अब सेकंड प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है, पहली बात 5 पुट कर सकते हो, 6, और आप कोई भी डिजिट पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 401 ये भी 400 से ग्रेटर है, 412 ये भी 400 से ग्रेटर है। कहने का मतलब ये कि दूसरी तीसरी प्लेस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो 5 से भी पुट कर सकते हो, 0 भी पुट कर सकते हो, 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो, 3 भी पुट कर सकते हो, 4 नहीं कर सकते, वो फॉर एग्जाम्पल आपने पुट कर दिया है। तो कितने ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल 5 पुट कर लिया आपने, अब कितने ऑप्शन है, 6, 0, 1, 2, 3। ये मैं ऑप्शन के तहत बनाता हूं, आप किसी भी नंबर को कैंसिल कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि दूसरी तीसरी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल 0 को कैंसिल कर दो, अभी भी 5 ऑप्शन है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करो, प्रोडक्ट प्रिंसिपल के तहत आप मल्टीप्लाई करोगे, 3, 6, 18 और 18 को 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 90। अब अलग करने की वजह सुन लो, वजह ये कि फॉर एग्जांपल अगर आप 7 करना चाहोगे, आप कहोगे सर आपका सॉल्यूशन गलत है, आप फॉरी लंबी कर रहे हैं, 330 से ग्रेटर मुझे नंबर निकालने में डायरेक्ट निकालता हूं। अच्छा, किस तरह निकालोगे, इस तरह निकालता हूं सर कि पहली प्लेस पे कुछ भी आ सकता है, पहली प्लेस पे 3 भी आ सकता है, क्योंकि 330 से जो ग्रेटर होगा उसमें 3 आ सकता है पहली प्लेस पे। फॉर एग्जांपल 341 330 से ग्रेटर है, सही बात है बिल्कुल। पहली प्लेस पे 4 भी आ सकता है, 421 बिल्कुल सही बात है। 5 भी आ सकता है, एनी डिजिट से आपने बनाना था वो 01 से लेके 6 तक, तो भाई फॉर एग्जांपल 526 पहली प्लेस पे 5 आ रहा है, पहली प्लेस पे 6 भी आ सकता है, 621 फॉर एग्जांपल। तो पहली प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 3 आ सकता है। 012 नहीं, 0 तो वैसे भी नहीं आ सकता और 12 भी नहीं आ सकता, क्यों, पहली प्लेस पे अगर 1 आएगा तो वो 330 से ग्रेटर नहीं होगा। सही है, तो बिल्कुल सही बात बोल रही है, कोई भी 4 नंबर आ सकते हैं यहां पे, तो उसी प्लेस का बताओ, अब फंस जाएगा मसला। क्यों, अगर आप ये कहोगे कि फॉर एग्जांपल मैंने 3 पुट कर लिया, अब दूसरी प्लेस पे क्या पुट कर सकते हो, दूसरी प्लेस पे 4 पुट कर सकते हो, 5 पुट कर सकते हो, 6, अब रिमेनिंग का बताओ, रिमेनिंग पुट कर सकते हो या नहीं, मतलब रिमेनिंग की मैं बात कर रहा हूं, 0, 1, 2 क्या ये पुट कर सकते हो, अगर आपने बोला हां तो सॉल्यूशन गलत है आपका, अगर आपने बोला ना तो सॉल्यूशन गलत है आपका। क्यों, हां भी ना भी, ये दो सिचुएशन बता दो दी है, 330 से लेकर 399 के दरमियान ना नहीं पुट कर सकते, अभी होता है 4, 5, 6 सेकंड प्लेस पे आप नहीं पुट कर सकते, 330 और 399 के दरमियान आप नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर आपको नंबर फॉर एग्जाम्पल 2 पुट करोगे सेकंड प्लेस पे नहीं आ सकता, वरना वो नंबर 3, 2 हो जाएगा, और इसके आगे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 लगा रहे हो तो ये 330 से कम है, तो 330 और 399 के दरमियान सेकंड प्लेस पे आप 012 नहीं पुट कर सकते, ये वजह थी अलग करवाए। और हां कब होगा, 400 से ग्रेटर, 400 से ग्रेटर में आप 012 फोर्थ प्लेस सेकंड प्लेस पे आप पुट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई एक साथ नहीं करवाया गया, वरना मसला होगा। तो मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देता, वजह भी बताता हूं क्यों करवाएंगे। स्टूडेंट जो 11 क्वेश्चन है ना वो बहुत ही ईजी है, उसमें वही काम है जो आप लोग पहले करते हुए आए हो, बस कुछ पार्ट डिफरेंट है तो वो हम देखते हैं उसको। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, गिवन डिजिट आपके पास क्या है, गिवन डिजिट्स है 1, 2, 3, 4, 5, ये गिवन डिजिट है। सबसे पहले पार्ट में लिखा हुआ है हाउ मेनी नेचुरल नंबर मे बी फॉर्म बाई यूजिंग 4 out of 5 डिजिट, मतलब ये 5 डिजिट है ना, इसमें से 4 डिजिट आपने यूज करने, मतलब 4 डिजिट का नंबर बनाना है आपने। इफ द डिजिट आर नॉट रिपीटेड इन एनी नंबर, सिंपल केस है, 4 डिजिट का नेचुरल नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो इसमें क्या होगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहली प्लेस पे 5 आएंगे, दूसरी प्लेस पे 4, तीसरी पे 3, चौथी पे 2, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में बोला हुआ है इफ द डिजिट मे बी रिपीटेड, सिंपल सा केस है रिपीटेड वाला, तो इसके अंदर ये होगा कि अगर 4 डिजिट का नंबर आपने बनाना है तो भाई पहली प्लेस पे कोई भी 5 आ सकते हैं, दूसरी पे भी 5 आ सकते हैं, तीसरी पे भी 5 आ सकते हैं, चौथी पे भी 5 आ सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है ना। पहली प्लेस पे फॉर एग्जांपल 1 पुट कर लिए तो 1 दोबारा भी आप पुट कर सकते हो, तो इसका मतलब हर प्लेस के लिए आपके पास 5 ऑप्शन है, मल्टीप्लाई कर दो 5 की पावर 4, ये हो जाएगा 625। जो बाकी दो पार्ट है वो इंटरेस्टिंग है, वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं,
तो पार्ट वन और पार्ट टू आप लोग डू इट योरसेल्फ। तो पार्ट नंबर थ्री पे आ जाओ। पार्ट नंबर थ्री क्या है? बिगिन विद टू, और रिपीटेशन अभी भी अलाउ नहीं है। रिपीटेशन नॉट अलाउड, सवाल में लिखा हुआ है रिपीटेशन अलाउ नहीं है। और बताओ ऐसे नंबर जो टू से स्टार्ट हो रहे हैं, अब इसमें क्या होगा? तो नंबर ऑफ फोर डिजिट नेशनल नंबर बिगिन विथ टू, फोर डिजिट है तो चार प्लेसेस। अब ऐसे नंबर जो टू से स्टार्ट हो रहे हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है पहली प्लेस पे क्या आएगा? पहली प्लेस पे एक ही ऑप्शन है, वो टू है, क्योंकि नंबर टू से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहली प्लेस के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। टू आपने पुट कर दिया, टू दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो अब दोबारा आपके पास कितने ऑप्शन है? आप वन पुट कर सकते हो, थ्री फोर फाइव, इसमें से कोई भी चार आप पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन पुट कर लिया, अब आपके पास कोई भी तीन ऑप्शन है, थ्री फोर फाइव, कोई भी थ्री पुट कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपने थ्री पुट कर दिया, अब आपके पास कोई भी दो ऑप्शन है, फोर फाइव में से टू मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा वन मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। और पार्ट फोर में अगेन रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और आपको बोला है एंड विद 25, ऐसे नंबर जो एंड हो रहे हैं 25 के ऊपर। अब जरा इनको देखते हैं, पार्ट नंबर फोर में लिखा हुआ है एंड विद 25, आप हेडिंग डाल देना एंड विद 25 और रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसके अंदर। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? नंबर ऑफ फोर डिजिट नेचुरल नंबर जो एंड हो रहे हैं एंड विद 25, तो फॉर एग्जाम्पल फोर डिजिट है तो फोर डिजिट बना लिए। अब ऐसे नंबर जिनके एंड पे 25 आ रहा है, तो ये तो फिक्स कर दिया ना उन्होंने कि आखिरी प्लेस पे क्या आएगा, आखिरी प्लेस पे 5 आएगा, उससे आखिरी प्लेस पे क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि 2 और 5 मतलब एंड विद। फॉर एग्जाम्पल नंबर है इन डिजिट से बनाते हैं, 3125, 4125, 4325, तो ये वो सब नंबर है जिनके एंड पे 25 आ रहा है। तो आखिरी वाली प्लेस के लिए एक ही ऑप्शन है 5, सेकेंड लास्ट के लिए एक ही ऑप्शन है 2, ठीक है। तो इन दोनों के लिए एक ही ऑप्शन है, इसमें तो कुछ चूज कर ही नहीं सकते ना आप, पुट ही पुट करना है। तो 2 5 आपने यहां पे पुट कर दिया, 2 आपने यहां पे पुट कर दिया। अब जरा पहली प्लेस पे आ जाओ भाई, आपने 2 और 5 पुट कर दिए, पीछे बचे 1 3 4, 1 3 4 में से कुछ भी पुट कर सकते हो, तीन ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल 1 पुट कर दिया, आप कोई भी दो ऑप्शन बचे कुछ भी दो पुट कर सकते हो, मल्टीप्लाई करो 3 × 2 × 1 × 1, ये हो जाएगा 6, तो 6 जो है वो यहां पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, डिजिट से रिलेटेड जितने भी सवाल थे वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले परमोटेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे कहां से आया, और जो बाकी 7.2 है उसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।